साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड, फ्लाइट भी भाई ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बात करेंगे। इंडियन एम्बेसी की मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट या फिर जो भी नोटिस है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑस्ट्रेलिया से बता दूं फ्लाइट आने का शेड्यूल है, पूरा पूरा बायोडाटा आपको मैं बता दूंगा कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या कंडीशन, हालांकि जो विदेश इंडिया आना चाह रहे हैं उनको सबको पता ही है, लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो हर चीज़ अपनी एविडेंस के साथ में रखती है ताकि कल को आप ये नहीं बोल सको कि ये बात हमें नहीं बताई, ये हमें नहीं पता वगैरह वगैरह। तो पूरी डिटेल के साथ मैं बता दूंगा साथियों। फ्लाइटों का शेड्यूल की बात करें भाई, 17 जून से 24 जून का फ्लाइटों का शेड्यूल है। 8 फ्लाइटें ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आएंगी 17 जून से 24 जून के बीच में। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ अपनी हिदायतें रिस्ट्रिक्शन दिए हैं जो मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं भाई गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे देखिए, हालांकि ये सबको पता ही है, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ बातें लिख रखी है कि भाई आपको दिल्ली एनसीआर वालों को, हरियाणा पंजाब वालों को बता रखा है 14 दिन आपको क्वारंटाइन रखना होगा, जिसमें 7 दिन आपको गवर्नमेंट रखेगी, 7 दिन आपको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा, 7 दिन का खर्चा आपका लगेगा, ये बातें इसमें मेंशन की गई है। और इसमें बताया गया भाई जो गवर्नमेंट आपको जो अधिकारी दिशा निर्देश दे देंगे उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी, कोई आप लापरवाही नहीं बरतोगे वगैरह वगैरह। कोविड-19 के बारे में भी इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। आरोग्य से ऐप आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आरोग्य कोविड-19 के लक्षण आते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। टिकट का पैसों का आप तैयारी करके रखिए, क्वारंटाइन का पैसा भी आपके पास होना चाहिए। एयरपोर्ट से उतरते ही भाई आपसे जिस होटल में जहाँ पर भी आप क्वारंटाइन करोगे तो वो खर्चा आपका लगेगा, आपको पहले ही जमा करवाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। वही डिटेल है, बाकी मैं स्क्रीन पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिए। फ्लाइट के बारे में बता दूँ आपको, 17 जून की साथियों जो फ्लाइट है वहाँ से 9:15 में वहाँ से निकलेगी सिडनी से। जी हाँ साथियों, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से जो फ्लाइट निकलेगी न्यू दिल्ली पहुंचेगी साथियों, ठीक है। इसमें टाइम टेबल इंडिया का नहीं दिया गया है, लोकल टाइम 18 जून की फिर एक फ्लाइट है साथियों वहां से जो निकलेगी 9:45 में, यहां मेलबर्नी से मेल से वहां से निकलेगी जो दिल्ली पहुंचेगी। थर्ड नंबर की फ्लाइट है साथियों 19 जून को 9:15 AM सुबह का टाइम है, सिडनी से निकलेगी जो न्यू दिल्ली पहुंचेगी। आगे बात करें साथियों 20 जून की एक फ़्लाइट है जो 9:45 में वहाँ से निकलेगी, मेलबर्नी मेल शॉर्ट में आप रहते हो तो आपको पता होगा भाई मेल है, मेल से निकलेगी जो न्यू दिल्ली पहुँचेगी। यानी बेस्ट न्यूज़ ये है भाई, दिल्ली के लिए 4 फ्लाइट हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए रेगुलर हैं, 17, 18, 19 और 20। जी हाँ साथियों, 4 फ्लाइटों का शेड्यूल दिया गया है। 19 जून को साथियों सुबह का फ्लाइट रहेगा 9:15 का, जो सिडनी से फ्लाइट निकलेगी अहमदाबाद गुजरात के लिए फ्लाइट रहे। जी हाँ साथियों, 22 जून को साथियों फिर एक फ्लाइट है 9:45 का, मेलबर्नी मेल से ही है जो बेंगलुरु पहुँचेगा। जी हाँ साथियों, बेंगलुरु की ये फ्लाइट है। 23 जून को साथियों फिर एक फ्लाइट है 9:15 का सिडनी से, जो कोच्चि चेन्नई पहुँचेगा। जी हाँ साथियों, 24 जून को फिर एक लास्ट फ्लाइट है साथियों 9:15 का, मेलबर्नी मेल से जो हैदराबाद पहुंचेगा। जी हाँ साथियों, तो ये कहने का मतलब 8 फ्लाइटें हैं जिसमें 4 फ्लाइटें दिल्ली के लिए हैं, बाकी एक अहमदाबाद, एक गुजरात के लिए, एक बेंगलुरु, एक कोच्चि चेन्नई, एक हैदराबाद के लिए। तो 8 फ्लाइटों का शेड्यूल है साथियों, बाकी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।